बात करें दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऑटो वालों ने काफ़ी प्यार दिया और सरकार बनाने में अहम रोल रहा। क्या लगता है कि जिस प्रकार सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उस प्रकार क्या अब भी केजरीवाल जी ऑटो वालों को राहत देंगे? ऑटो वालों को कोई राहत नहीं है। 1,80,000 रुपये का ऑटो हमें मिलता है 6 लाख रुपये का, और जब तक हम किस्तें उतारते हैं वो 9 लाख रुपये का पड़ता है। दिल्ली की पब्लिक कहती है ऑटो वाला किराया चार्ज करता है, जब पेट भर के रोटी नहीं मिलेगा तो आदमी चोरी करेगा। हमारा किराया बढ़ाना चाहिए। 30 रुपये किलो सीएनजी थी, आज 70 रुपये किलो सीएनजी है। बच्चों की ना पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है, भिंडी सब्जी हर चीज़ महंगी है। 100 रुपये 200 रुपये किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए कैसे करें? डॉक्यूमेंट का खर्चा रेट को लेकर जिस प्रकार ओला उबर के ड्राइवर धीरे धीरे अब हड़ताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का ऑटो वाला उनका साथ देगा? बिल्कुल, दिल्ली के हर ऑटो वाला, हर ग्रामीण सेवा वाला, हर कमर्शियल गाड़ी वाला ड्राइवरों का साथ देगा, हर अपने ड्राइवर भाई का साथ देगा। कम से कम दिल्ली के अंदर ऑटो का किराया होना चाहिए 20 रुपये किलोमीटर, और टैक्सी का 25 से 30 रुपये किलोमीटर से कम वारा नहीं आता है। 8 रुपये किलोमीटर टैक्सी का खर्चा आता है सीएनजी का, और पेट्रोल का जो गाड़ी रनिंग आती है टैक्स है अलग। गवर्नमेंट हमें लूट रही है, इंश्योरेंस टैक्स फिटनेस हर चीज़ में हमें लूट रही है।